दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार राय और आप लोग देख रहे हैं बाबा फ्लाइट ट्रेन सर्विस। तो चलिए, हमारे जो एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने कुछ भेजा था, कहा था क्या सर ऐसे बनेगा। तो आज एक राउंड जो कि जगह जगह साटने का काम आता है, तो वही हम आज बना के आप लोग को दिखाते हैं। राउंड स्टिकर आता है जो कि 12x18 पर प्रिंट होता है और एक 12x18 पर 4 पीस करके प्रिंट होता है। तो उसकी जो साइज होती है वो 5.5 इंची बाई 5.5 इंची का होता है, उसकी राउंड होता है। अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से जहाँ तक हो सकेगा एक हम इसको राउंड लेंगे और जैसे आप लोग ने आज थंबनेल में देखा है सेम मैं वही डिजाइन आप लोग को बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम ले लेंगे, जिस तरह से आप देख रहे थे कि हमारे थंबनेल में चारों बगल से कलर अलग अलग था, जो कि अभी आपने थंबनेल में कुछ देर पहले देखा था, वीडियो शुरू करने से पहले क्या था, चारों बगल से अलग अलग कलर था। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से एक हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से लेंगे ये टूल और इसको यहाँ तक नीचे ले लेंगे, पी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये पेज का सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे वो भी आप लोग देख लीजिए, इस पर क्लिक करेंगे और इसको राउंड अप बना लेंगे, कंट्रोल प्लस आर से रिपीट कर लेंगे। रिपीट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट फिल टूल है, इस पर क्लिक करके अभी सारे पार्ट को हम भर लेंगे। क्या कर लेंगे, सारे पार्ट को भर लेंगे। अब इसको सारे को अब हम डिलीट कर देंगे क्योंकि मुझे इसका काम अब नहीं है। अब यहाँ से हम कलर अलग अलग कलर कर लेंगे, जो कलर आपको बेटर लगे वो कलर आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, जो लाइट कलर हो। इसको भी ब्लैक कर देते हैं और इसको जो भी आप लोग को, अब इसका क्या करेंगे हम लोग आउटलाइन नन कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा था सेम वही डिजाइन यहाँ अभी बन रहा है। अब इसका क्या करेंगे, ये कैलियोग्राफी फॉन्ट है, इसको अब हम लोग छोटा कर लेंगे क्योंकि पहले से हमने मैटर को डिजाइन करके रखा है, बना के रखा है। ये कैलियोग्राफ फॉन्ट आता है, इसका सॉफ्टवेयर आता है जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन नेट से आप कोई भी मैटर आसानी से ये डाउनलोड हो जाता है। जैसे कि आप लोग ने देखा था कि इसका मैं अब आप लोग के साथ 3D लुक कैसे दूंगा वो भी दिखाऊंगा। इसको एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में मैं 3D लुक देता हूँ, जो कि आज अभी आपने थंबनेल में देखा था, इसका कैसे फोटोशॉप में भी मैं दिखाऊंगा कि मैं उसका जिसका 3D लुक है वो मैं कैसे देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कंट्रोल टूल के माध्यम से, यहाँ जो देख रहे हैं कंट्रोल टूल के माध्यम से इसकी एक कॉपी बनाएंगे। यहाँ तक कंट्रोल प्लस के कर देंगे, कंट्रोल प्लस के करने से वो ब्रेके पार्ट हो जाता है, ये जो देख रहे हैं ये अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कंट्रोल प्लस एक्स कर लेंगे पहले और इसको हम लोग व्हाइट करेंगे, इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ से ग्रुप कर लेते हैं, यानी यहाँ ये जो दोनों मैटर है उससे पहले आप लोग क्या करें, इस सभी को शुरुआत में हमने नहीं किया था, इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद पेज लॉक कर देंगे ऑब्जेक्ट, तब वह मुझे काम करने में कठिनाई नहीं देगा। जब काम करने में मुझे कठिनाई देगी नहीं देगा तो आसानी से मेरा काम होते रहेगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ जो ये व्हाइट है इसमें मुझे ड्रॉप शेडो टूल का प्रयोग करना है। ये देखिए यहाँ से मुझे ड्रॉप शेडो, सॉरी इसको ऊपर ले जाना है यहाँ तक हल्का, अपने हिसाब से मुझे ड्रॉप शेडो टूल का प्रयोग करना है, हल्का और नीचे आने देंगे यहाँ तक और नीचे आने देंगे। अब यह कुछ ठीक लग रहा है, इसको क्या करेंगे, अब कंट्रोल प्लस यू से ब्रेके पार्ट हटा लेंगे, इसमें अब हम रेडिश कलर की मात्रा रखेंगे। इसका 3D लुक हम फोटोशॉप में देते हैं, वहाँ मुझे बेस्ट लगता है। अब इसी में हम सारा मैटर को सेट कर लेंगे, जैसे कि आप लोग ने आज वहाँ थंबनेल में देखा। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आसानी से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे
बन सके, यहाँ से लेके इसको हम लोग यहाँ तक इसको कंट्रोल प्लस होम कर देंगे। इसमें भी हम ये लाइट ब्लू देंगे, लाइट ब्लू देने के बाद इसमें भी हम आउटलाइन इसका व्हाइट देंगे। आउटलाइन व्हाइट देने के बाद F12 का प्रयोग करेंगे। हम अपने कोर्स में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, जो कि 2 दिन का अभी टाइम है, आसानी से आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको जस्ट इसके नीचे ले जाएंगे, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे चीक, ऐसे ऐसे ट्रिक, ऐसे ऐसे डिजाइन बताऊंगा जिससे कि आप दंग रह जाएंगे। यहाँ से इसको हम फाउंटेन फिल कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, यहीं से इसमें रखते हैं और इसको डीपनेस बढ़ा देते हैं। अब इसकी लुक आप लोग देखेंगे तो एक अलग ही लुक लग रहा है। अब इसको यहाँ हम सेट कर देंगे, यानी हर मैटर हमने पहले से तैयार करके रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं हर चीज। फिर इसको एम प्रयोग करने के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ चाहें तो इसका कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब इसका क्या कलर रखना है देखिए, यहाँ से जाएंगे, यानी आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लें कि कहाँ मुझे क्या रखना है और कहाँ क्या मुझे नहीं रखना है। कंट्रोल प्लस गर्व से गर्व करके इसको हम इधर डाउन कर देंगे और इसको जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम इधर डाउन कर देंगे, इधर डाउन कर लेंगे। और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर यहाँ तक रखते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें बेटर नज़र आ रहा है। हाँ यहाँ तक है तो ये बेटर नज़र आ रहा है। इसको आउटलाइन नन करते हैं, इसको शिफ्ट प्लस पेज डाउन करते हैं, इसमें ग्रेडियंस इसको बना लेते हैं फिर से यहाँ जाके, और इसमें फिर से हम रेडियस का मात्रा देते हैं। यहाँ से जाके इसका क्या करेंगे, हम आउटलाइन थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो आप लोग देख रहे हैं इसको और थोड़ा सा हम लोग इसको और थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इस पर आप येलो कर सकते हैं, इसका बहुत ही बेहतरीन लुक आता है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। या तो येलो कर लें या तो आप व्हाइट कर लें, जो आपके हिसाब से बेटर लगे वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस सारे मीटर को मुझे इसी में सेट करना है, इसको भी मुझे यहीं सेट करना है। ये देखिए इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से मूव करवा लेंगे, यानी इधर की इसको कंट्रोल प्लस पेज से होम कर लेंगे, यहाँ ला के इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। हो गया आसियाना फ्लेक्स प्रिंट सर्विस, या इसको चाहे तो आप इसमें भी रख सकते हैं, जहाँ आपको एडजस्टमेंट हो। इस शादी कार्ड है, इसको भी जहाँ जहाँ आपको एडजस्ट लगे कि नहीं या यहाँ होना चाहिए उसको हम बाद में करेंगे। इसको हम पहले से बना के रख चुके हैं डिजाइन, तो चलिए सबसे पहले इसको उठा उठा के हम यहाँ सेटअप कर लेते हैं। बहुत छोटा छोटा करना होगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सबको पहले हम यहाँ सेटअप करना पड़ जाएगा। 10 है तो 10ों का सेटअप करना पड़ जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसको आसानी से हम सेटअप कर लिया। अब इसमें ये जितने सारे मैटर हैं उनको हमें सेट करना है, किसमें करना है तो इसमें करना है। तो चलिए मैटर को क्या करना है, मुझे धीरे धीरे सभी मैटर को मुझे छोटा करना है, और छोटा करके मुझे इसी में एडजस्टमेंट भी करना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसको यहाँ से क्या कर देंगे, हम व्हाइट कर देंगे, फिर इसको ले लेंगे, और इसको लेने के बाद हर मैटर को इसके ऊपर रख के एडजस्ट करना होगा। अपने हिसाब से आपको सभी को एडजस्ट करना होगा और अलग अलग कलर देना होगा जिसमें आपको जो बेटर लगे। तो चलिए इसको हम एडजस्ट भी कर लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग सारे में सारे हम सेट कर लिए हैं। ये लास्ट सेट कर रहे हैं इसको, चाहे तो आप लोग इसका फॉन्ट बदल सकते हैं, हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। तो यह देख सकते हैं कि यह एक आसानी से सेटअप हो चुका है, और इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा करके इसको कहीं भी एंगल घुमा के रख देंगे,
या इसको बड़ा कर देंगे यहाँ तक, ये ठीक लग रहा है। यह एक आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन डिजाइन में। अब इसका हम 3D लुक कैसे देते हैं फोटोशॉप में, लुक देख के फिर आप लोगों को मैं इसका दिखाता हूँ कि इसका लुक हम कैसे दे सकते हैं, और एक बेहतरीन डिजाइन में इसका सिर्फ आशियाना का मैं लुक कैसे चेंज करता हूँ। तो आप लोग जरूर हमारे डिजाइन में बने रहे, मैं आपको लुक दे के दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे तो यह 3D की लुक के नज़र में, यहीं आप देखेंगे कोरल में तो यह एकदम प्लेन है, लेकिन जब इसको हम फोटोशॉप में देते हैं तो यह इसका 3D लुक यहाँ से मैं देता हूँ, और एक बेहतरीन डिजाइन में जो आप लोग देख रहे हैं तो इसको मैं फोटोशॉप में देता हूँ। और मैं अपने कोरल कोर्स में, अपने कोर्स में ये सारी चीज़ आपको बताता हूँ। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जाइए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।